So, what's up guys? कैसे हो आप लोग? I hope सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले बेस्ट टू फिंगर का सर्जरी के बारे में। आप लोग ने इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स किया था, तो फाइनली वीडियो आ चुकी है, क्योंकि आज की वीडियो में तुम्हारा भाई ऐसा का सर्जरी बता देगा, किसी ने सोची ना होगी। क्यों? आज की वीडियो में जो सर्जरी बताएगा उसमें ऑटोमेटिकली वन टैप लगेगी क्या? कस्टम आ चुकी है ब्रो, एम बॉट नहीं है। बट गाइस आज की वीडियो में जो बेस्ट टू फिंगर का सर्जरी बताने वाला, उसमें आपको वन टैप मारने में या फास्ट मूवमेंट, जैसे कि सीटअप ग्लोल हो गया, 360 डिग्री ग्लोल हो गया, या फास्ट ईडब्ल्यूएम स्विचिंग, ये सब में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत जल्दी उसका सर्जरी पे हैंडसेट कर पाओगे, जो कि हर एक सर्जरी में नहीं होता। आप कोई भी नया सर्जरी बनाते हो उसमें कम से कम 2-3 हफ्ते तो लग ही जाते हैं। तो अगर आपको जानना है कि बेस्ट टू फिंगर का सर्जरी कौन सा है जिसमें एकदम इजिली हैंडसेट भी हो जाता है, ये प्रॉफिट भी मिल जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस बिना टावेज किए हम लोग बेस्ट टू फिंगर कस्टर्चरी बना लेते हैं। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मैं कस्टर्चरी में आ चुका हूँ और मैंने अपने कस्टर्चरी को रीसेट कर दिया है। तो गाइस सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि हर एक बंदे की ख्वाहिश रहती है, हर एक बंदे की, कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो। हम सिंगल है तो हमको तुम चिढ़ाओगे, यही दोस्ती यही प्यार, मेरे लगोटिया यार यही दोस्ती। तो गाइस हर एक बंदे का ख्वाहिश रहता है कि वो टू फिंगर कस्टर्चरी में क्विक ओपन स्विच बटन नहीं तो लेफ्ट वाला फायर बटन इस्तेमाल करे। तो मुझे लगता है कि मैं आज आपका सपना पूरा करने वाला हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में सबसे पहले यही कवर करते हैं कि आप अगर क्विक ओपन स्विच बटन इस्तेमाल करना चाहते हो या लेफ्ट वाला फायर बटन, तो उसको आप किधर रख सकते हो और उसका साइज क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्विक ओपन स्विच बटन की बात करते हैं कि उसको किधर रखना चाहिए और क्या साइज रखना चाहिए। तो उसका साइज आप रख सकते हो 65-80 के बीच में, मैं बोलूंगा आप 80 रखो, बेस्ट रहेगा। और पोजीशन की बात करें तो मैं बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ, जिधर जिधर रेड डॉट दिखा रहा हूँ उधर उधर रख सकते हो। और बहुत सारे बंदे क्विक ओपन स्विच बटन को इधर रख देते हैं, तो प्लीज इधर मत रखना, नहीं तो ड्रैग करे टाइम पे भाई क्विक ओपन स्विच बटन पे कभी कभार क्लिक हो जाता है और इधर सही पोजीशन भी नहीं है, क्योंकि आप गन स्विच करते हो उसके बाद डायरेक्टली आप ड्रैग नहीं कर पाओगे, इसलिए इधर मत रखना, लेफ्ट साइड रखना, जिससे आप जैसे गन स्विच करते हो उसके मिनी सेकंड के बाद आप ड्रैग भी कर पाओगे, मींस आप एक टाइम पे दो काम कर पाओगे। बट वही अगर राइट साइड ही दोनों बटन रहता तो पहले आप क्विक ओपन स्विच बटन पे क्लिक करते फिर ड्रैग पे करते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, इसलिए मैं जिधर जिधर बता रहा हूँ इधर रख सकते हो और इधर भी रख सकते हो। अभी बात करते गाइस सबसे 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 अभी बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लेफ्ट वाला फायर बटन इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसको किधर रख सकते हो। तो सबसे पहले साइज की बात करते हैं, तो उसका जो साइज है आप चाहो तो 80-90 के बीच में जितना चाहो उतना रख सकते हो, और मैं जो पोजीशन पे रखा हूँ वही पोजीशन सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना गाइस, क्विक ओपन स्विच बटन और लेफ्ट वाला फायर बटन एक साथ कभी भी यूज नहीं करना, कभी भी नहीं। बट क्यों? आपके पास उंगली कितना है? मुझे तो पता ही नहीं था 10 उंगली है। मैं बोल रहा हूँ फ्री फायर खेले टाइम पे कितना उंगली यूज करोगे? दो ही ना, तो दो उंगली रहेगा तो बटन ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए एक ही बटन इस्तेमाल करो। मैं आपको एक एडवाइस दूँ, पहले ही दिल तोड़ दिया अभी दे ही दे एडवाइस भी। तो सुनो मेरा एडवाइस ये है कि आपका जो भी वीक पॉइंट है, जैसे कि आप फास्ट ग्लो नहीं लगा पाते तो आप लेफ्ट वाला फायर बटन यूज कर सकते हो। अगर आप फास्ट स्विचिंग करना चाहते हो जैसे AWM में या वन टैप मारने के बाद, तो आप क्विक ओपन स्विच बटन इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो चुका रहेगा कि आपको अभी कौन सा बटन इस्तेमाल करना चाहिए। चलो मैंने तुमको इतना अच्छा एडवाइस दे ही दिया है तो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी थैंक यू कहां बोल रहा था। चलो ठीक है, थैंक यू मत बोलो, नीचे देखो लाइक बटन है दबा दो, एंड उससे 2 सेंटीमीटर दूर सब्सक्राइब बटन है। नहीं भाई वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अरे यार तुम भी कैलकुलेट करने बढ़ जाते हो, बस मैं यही बोलना चाहता था कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे हाथ से भी कुछ अच्छा काम होना चाहिए, जो कि मैं नहीं करता बट तुम कर सकते हो। तो गाइस अभी बिना टावेज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, आपके ड्रैग वाले बटन का क्या साइज रखना चाहिए, क्या पोजीशन रखना चाहिए। तो गाइस अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो तो उसका साइज आप 50-60 के बीच में रख सकते हो। एंड यस, उसका पोजीशन जिधर मैंने रखा है उधर ही रखना है, और आप उसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, क्योंकि अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो तो हाई डिवाइस का सेंसिटिविटी ज्यादा रहता है, आप जैसे कंफर्टेबल हो उधर आप रख सकते हो। एंड यस, अगर आप आईफोन में खेलते हो, अगर आप अंबानी के बेटे हो तो इधर रख सकते हो, नहीं रखना है, मजाक कर रहा हूँ। वही गाइस अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो तो उसका जो साइज है 45-50 रख सकते हो, और पोजीशन की बात करें तो थोड़ा सा नीचे करके रखना है, क्योंकि लो एंड डिवाइस का सेंसिटिविटी कम होता है तो आपको ड्रैग करने के लिए अच्छा खासा डिस्टेंस मिल जाएगा। अभी बात करते गाइस आपको ग्लोल वाला बटन किधर रखना चाहिए। तो गाइस ग्लोल वाला बटन को मैंने जिधर रखा है उधर ही रख सकते हो, और इसका जो साइज है आप 90 कर सकते हो, 80 कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा शुरू में सबको बड़ा बड़ा,
मतलब ड्रैग वाले बटन सबका साइज बड़ा बड़ा रखो, फिर आपका हैंडसेट हो जाए तो सब बटन को छोटा कर लो जिस चीज को आपने बड़ा करके रखा था, और बड़ा करके ही रखना है शुरू में, जिससे आपको कस्टडी पे हैंडसेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजिली कर पाओगे। ज्यादा बड़ा होता बहुत ज्यादा बड़ा भी मत कर लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी बात करते गाइस जंप बटन सीट बटन जंप बटन सीट बटन जंप बटन सीट मतलब जो आपका जंप वाला बटन है और सीटर वाला बटन है उसका साइज एंड पोजीशन क्या रखना चाहिए, तो दोनों का साइज सेम रखना है, वो है गाइस 65 टू 80 के बीच में रख सकते हो, जैसे कि मैंने 70 रख लिया है। अभी इसको क्या करना है आपको, पोजीशन करना है, अच्छे से पोजीशन में रखना है, तो मैंने जिधर अभी रखा है लाइन में वैसे रख सकते हो, या अभी मैंने जैसे रखा है ऐसे भी रख सकते हो। अभी बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, सबसे उसके सामने ड्राइव वाला बटन भी कुछ भी नहीं है, नहीं सीटर वाला बटन, क्विक ओपन स्विच बटन, लेफ्ट वाला फायर बटन, ग्लोबल वाला बटन, कुछ भी नहीं है उसके सामने, ऑन एंड ओनली प्रोन बटन। उसको आपको किधर रखना चाहिए, तो उसको आपको रखना इधर जिधर मैंने अभी रखा है। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये मजाक कर रहा, दिल पे मत ले लो, ये बहुत ज्यादा काम आता है, खासकर टूर्नामेंट खेलते हो तब। मैं इसको इसलिए ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि नूब वाली फीलिंग आती है। अभी बात करते हैं गाइस नॉर्मल गन चेंजर की, तो गाइस इसको आप बढ़ा सकते हो, अगर आप क्विक ओपन स्विच बटन इस्तेमाल नहीं करते हो तो 90 रख सकते हो, पोजीशन उधर ही रहने दो, थोड़ा सा इस साइड ले लो, अगर वही क्विक ओपन स्विच बटन इस्तेमाल नहीं करते हो तो भी उतना ही रहने दो, नहीं तो थोड़ा सा कम भी करके इधर ही रहने दो। अभी बात करते हैं गाइस बाकी सब बटन के बारे में, जैसे कि आपका बैकपैक वाला बटन हो गया, मेडिकेट वाला बटन हो गया, और ये एक्टिव स्किल वाला बटन हो गया, ये सबको किधर रखना चाहिए, तो मैं इसको फटाफट से रखता हूँ। आप चाहो तो मेरा कॉपी भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, तो फटाफट से मैं रखता हूँ। तो फाइनली गाइस मेरा कस्टमर जर्नी टोटली बन चुका है, मैंने देख सकते हो बाकी जो बटन है अपने हिसाब से रखते हैं, आप चाहो तो मेरे जैसे भी रख सकते हो। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आप अगर अपने हिसाब से बटन रख रहे हो बाकी सब, इतना जो एरिया है वो खाली रहना चाहिए, इतने दूर में कौन सा भी बटन नहीं रहना चाहिए, जिससे आप एनिमीज के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाओ, सामने क्या हो रहा है वो अच्छे से दिखे। तो फाइनली हमारा बेस्ट टू फिंगर कस्टमर रेडी है, तो चलो गाइस आज की वीडियो बताया, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी इसलिए देख रहे हो, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड यस मैं फाइनली एक्टिव हूँ, तो समझ रहे हो, फॉलो कर लो फटाफट से। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले।